चलो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था मैंने, और तीन फॉर्मूले आए थे अपने पास। पहला आया था टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू साइन थीटा बाई जी। अब इन फॉर्मूलों को अपन समझते हैं अच्छे, समझ रहे। दूसरा फॉर्मूला आया था हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। और तीसरा फॉर्मूला आया था क्या, रेंज का, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये तीन फॉर्मूले आए। तो तीनों फॉर्मूले को अपन समझेंगे और देखेंगे, चीजों को समझेंगे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, है ना, आसान है। टाइम का फॉर्मूले में कुछ भी पढ़ने या समझने को नहीं है। मेन अपने को हाइट और रेंज के फॉर्मूले में पढ़ना समझना है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं किस तरह के, जो मैं दिखाऊं। ठीक है बेटा, ध्यान देना सर। देखो तो अपन बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो निकल कर आई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। दो चार बातें मैं लिखाऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट बातें, समझ रहे हो। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब प्रोजेक्टाइल ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो सबसे ऊंची हाइट जो जाएगी, वैसे तो कई हाइट होती है लेकिन सबसे ऊंची हाइट जो जाएगा उसका फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये हाइट सबसे ज्यादा, मैंने किसी वेलोसिटी से फेंका और ये हाइट से ज्यादा, मैं सिर्फ एक ही चीज वेरी कर सकता हूं, एंगल। तो इफ आई टेक थीटा इक्वल टू 90, थीटा को आप 90 लो, मतलब बॉडी को आपने, थीटा क्या होता है, एंगल विद एक्स एक्सिस, बॉडी को आपने ऐसे या ऐसे, इस तरह से फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, यू थ्रोन इट अपवर्ड। तो थीटा इक्वल टू 90 अगर आप लेते हो तो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन टू जी। तो एच इज व्हाट, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। अब ये यू स्क्वायर अपॉन टू जी क्या है, व्हाट इज दिस यू स्क्वायर अपॉन टू जी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट, समझना। हाइट जो है वो सबसे ज्यादा क्या हो सकती है भाई, ये साइन थीटा की वैल्यू, जो साइन थीटा जो होता है ना बेटा, इसकी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 में वेरी करती है, मैग्नीट्यूड की बात। तो सबसे ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 1। और साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 90 होगा, समझ रहे हो। और ये तब हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। बाकी अलग अलग साइन थीटा की वैल्यू पे हाइट की वैल्यू अलग अलग आती, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट इज व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल 90 डिग्री। मतलब अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे फेंकूंगा ऊपर की तरफ तो वो सबसे ज्यादा हाइट ट्रेवल करेगी। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर, यस सर। पहली बात तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं बट इसके बारे में चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझ। अब देख, अब मान लो जैसे ये भी कई बार आता है, हाइट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, समझना सारे बच्चे। मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल और उसको मैंने फेंका एट एन एंगल थीटा, तो उसकी मैक्सिमम हाइट है एच थीटा पे, मान लो एच वन। और एक और प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने फेंका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो थीटा और 90 माइनस थीटा को अपन कौन सा एंगल कहते हैं, पता होगा बेटा, क्लास 9th में पढ़ा है। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री। तब हाइट चली गई h2, यहां पर हाइट थी h1 जब थीटा पे फेंका, h2 पे चली गई 90 माइनस थीटा पे, h2 चली। अब अगर मैं h लिखूंगा तो h विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कोई दिक्कत वाली बात, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये फॉर्मूला होता तो एच वन का तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और एच टू का फॉर्मूला जब लिखूंगा तो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं।
अपॉन 2g, ठीक है। अब याद करो बेसिक मैथ्स में मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, समझ लो। तो यहां से एक्स टू कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो सकता। तो एच वन ये आया, एच टू ये आया, ठीक है। तो एच वन प्लस एच टू विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन, समझ लो। अब यहां पर देखोगे तो एच वन प्लस एच टू इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, समझ लो। तो आई कैन राइट एच वन प्लस एच टू इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। याद करो यू स्क्वायर बाई 2g क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है वेयर एच वन एंड एच टू आर द हाइट व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये एच वन 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 है, सॉरी थीटा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हाइट का सम बराबर होता है मैक्सिमम हाइट, समझ रहे हो, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री हाइट का सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हाइट का सम एंगल पर डिपेंड नहीं करता, डजंट डिपेंड अपॉन एंगल। तो इसको कैसे भी पूछ सकता है ना बेटा, इन एक्सप्रेशंस को कैसे भी पूछ सकता है, सिंपल न्यूमेरिकल तो आ ही सकते हैं बट इस तरह से भी चीजें जो है वो आ सकती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो बेटा इसको। चलो देखो आगे बढ़ते, मिटा दूं बेटा इसको, बात ध्यान रखना, नोट्स बनाते रहा करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो अब बात करते हैं रेंज की, है ना, इन फॉर्मूला पर डिस्कशन करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट ए स्मॉल टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब देखो, अब समझ, आपको चाहिए रेंज सबसे ज्यादा, यू वांट मैक्सिमम रेंज, कि रेंज आपकी सबसे ज्यादा हो, ये आपको चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है ना, अपन देख सकते हैं। सी, रेंज आपको सबसे ज्यादा चाहिए, सबसे ज्यादा रेंज कब होगी, जब ये साइन टू थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, नहीं नहीं साइन टू थीटा 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। और रेंज साइन टू थीटा जो है वो 1 होगा, और साइन टू थीटा 1 तब होगा जब 2 थीटा जो है वो 90 हो, समझ रहे हो, क्योंकि साइन 90 1 होता है, 2 थीटा 1 होगा, 2 थीटा 90 होगा, तभी तो साइन 2 थीटा 1 होगा। तो मतलब थीटा जो है वो 45 डिग्री होना चाहिए, मतलब अगर आप 45 डिग्री पर किसी भी पार्टिकल को फेंकते हो तो उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम, क्या होगी, मैक्सिमम, है ना। ए पार्टिकल विल हैव मैक्सिमम रेंज इफ इट इज थ्रोन एट 45 डिग्री विथ ओरिजिन, और वो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी बेटा, ये आपका साइन टू थीटा 1 हो जाएगा, दैट विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन क्या है, ये लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ऑब्जेक्टिव में खूब आते ही, क्योंकि मैक्सिमम हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर बाई
टू जी, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना बेटा। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी, और कब होती है? जब एंगल 45 डिग्री हो, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देख ये रेंज आ, दिस इज द रेंज। अब आप सेम वही रेंज के बारे में भी 90 और थीटा, 90 माइनस थीटा पे फेंक के देखेंगे। देखो ध्यान से, मैंने एक प्रोजेक्टाइल है उसको फेंका है थीटा पे, तो रेंज मान लो आर वन है, और एक प्रोजेक्टाइल है उसको फेंका है 90 माइनस थीटा पे, तो रेंज मान लो आर टू। देखना ध्यान से देखना सारे बच्चे। तो अगर आप आर वन लिखने जाओगे तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी लिखोगे, और अगर आप आर टू लिखने जाओगे तो देखना यू स्क्वायर साइन ट्वाइस 90 माइनस थीटा लिखूंगा अपॉन जी। देखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब टू 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, u square sin 180 minus 2 theta upon g, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था कि sin 180 minus 2 theta करते हो, pi minus theta लिखते हो, तो वो sin theta ही हो जाता, it will be what, sin 2 theta। अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब इसको मैं आर टू कैन रिटन एस यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। देखो तो आर वन और आर टू, सॉरी आर वन और आर टू दोनों बराबर, आर वन और आर टू दोनों बराबर, इसका मतलब इफ एट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज ऑफ रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर इक्वल, हमेशा इक्वल होते हैं। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है वो हमेशा बराबर होती है, इट इज इक्वल, हमेशा इक्वल, ठीक है बेटा। मतलब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 30 60, इन पे फेंकोगे बराबर रेंज होगी, 30 पे भी उतनी दूर जाएगा जितना 60 पे जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए। आज बेटा सेकंड मीटिंग भी लूंगा, और सेकंड मीटिंग में सबको ज्वाइन होना है ना, मैं एक बार वो नाम शॉर्टलिस्ट करूंगा फिर ग्रुप से हटा दूंगा, जो बच्चे फालतू में मैं हटा दूंगा, तो नहीं आएगा तो फिर मैं हटा दूंगा, मुझे मत बोलना सेकंड मीटिंग में नहीं आएगा। देखो अब ध्यान से देखना बेटा, ये आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना उसी अब समझना, इसका अपन पूरा बनाते हैं। हाइट के बारे में पढ़ लिया, रेंज के बारे में पढ़ लिया, अभी देखना एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा सुंदर सा। यहां से एक प्रोजेक्टाइल है, अभी सिर्फ फॉर्मूले के बारे में पढ़ रहे हैं अपन ना, और यहां से मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, मान लो 15 डिग्री पे फेंका,
तो वो यहाँ चला, दिस इज थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है, यहाँ चला। अब मान लो मैं इसी प्रोजेक्टाइल को 75 डिग्री पे फेंकता हूं, ये पार्ट यही जाएगा, देखो दोनों की रेंज सेम है ना, क्यों सेम है दोनों की रेंज, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यू फेंक, मान लो ये थीटा जो 30 डिग्री, समझ रहे हो ना, और मैंने थीटा फेंका 60, ये 60, तो 30 और 60 की रेंज दोबारा सेम हो रही है, क्यों सेम हो रही है, दोनों कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अब मैंने इसको फेंका थीटा इक्वल टू 45, तो ये वाली रेंज कौन सी रेंज है, मैक्सिमम, क्लियर हो गया। तो मैंने इस ग्राफ के अंदर चारों दोनों चीजें समझा दी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंक रहे हो तो रेंज बराबर है, बराबर है, समझ रहे हो, फिर 45 डिग्री में सबसे ज्यादा रेंज, क्लियर हो गया, बना लो बेटा एक बार अच्छे से इसको। अब बहुत आसान है बेटा, फिर अपन न्यूमेरिकल रहेंगे, पहले अपन सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आप समझ, नाउ लेट अस, देखो सारे बच्चे, अब बेटा ये तो अपने को बात समझ में आ गई, रेंज हाइट वगैरह की फॉर्मूले समझ में आ गए, अलग अलग दोनों में थीटा पे फेंकते हैं, किस तरह से फेंकते हैं, मैक्सिमम कब होता पता चल गया। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एक तो ये एनसीईआरटी का एडिशनल क्वेश्चन है ना, सबसे लास्ट में वो ये डेरिवेशन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एडिशनल, वो ये डेरिवेशन। दूसरा ये रिलेशन आपको याद रखना, बहुत काम आता, बहुत जगह डायरेक्ट लगता है, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो पता चल जाएगा। और रिलेशन क्या बेटा, इसके बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, अभी तक दो चीजें पढ़ी, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। कई बच्चे जो है ना मैक्सिमम हाइट में कंफ्यूज होते हैं, मैक्सिमम हाइट तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखो। अब आपको पता है कि भाई साहब हाइट जो है वो क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज जो है वो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन g, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब सारे बच्चे मुझे बताओ कि साइन 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज साइन थीटा कॉस थीटा, कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है बेटा, ये हाइट हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। अब दोनों को अपन क्या करते हैं बेटा, डिवाइड, ये डिवाइड बहुत होता है, मैं करता हूं h अपॉन r, h अपॉन r, तो जब भी कभी रेशियो लेने की बात है तो आप देखोगे तो u स्क्वायर से u स्क्वायर g से थी कैंसिल, तो यहां बचेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और इधर बचेगा क्या, 1 अपॉन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, बताओ सही लिखा है मैंने, ठीक है बेटा। अब एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो एच अपॉन आर इक्वल टू ऊपर साइन थीटा अपॉन 4 ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो एच अपॉन आर इक्वल टू 10θ अपॉन 4, ठीक है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, आर 10θ इक्वल टू 4h, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा। इसको याद करने का तरीका देखो, थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है याद करने की, देखो क्या है, इसको याद अपन कैसे करते हैं, हाउ वी विल रिमेंबर इट, कैसे याद करेंगे, देखो
आर टेन थीटा इक्वल टू फोर एच, इसको याद ऐसे करना, रतन चोर है, ठीक है, रतन चोर है, रतन मतलब आर टेन थीटा, चोर मतलब चार और है मतलब एच, तो इस तरह से याद करना है। कौन चोर है बेटा, हु इज चोर, रतन चोर है, हाँ रतन चोर है, ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्या ये याद रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रतन चोर है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो याद हो गया होगा सारी चीजें, रेंज हाइट, रेंज हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज हाइट, अलग अलग एंगल्स पर, फिर इन दोनों में रिलेशन रतन चोर, आर टेन थीटा इक्वल टू फोर इंच। अब कोई भी क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा किस एंगल पर रेंज और हाइट बराबर होती है, तो डायरेक्ट आर इक्वल टू एच कटेगा, टेन थीटा इक्वल टू फोर, किस एंगल पर रेंज डबल ऑफ हाइट होती है, बस आराम से रतन चोर लगा हो जाएगा, ना अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलो अब सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ध्यान देना सारे बच्चे, सारे फॉर्मूले तो आपको पता ही है, ट्राई करो सब, पक्का इसका न्यूमेरिकल आता है बेटा, पक्का आता है प्रोजेक्टाइल, ये मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, फिर u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री ऑफ और g को 10 लेना, आपको क्या कैलकुलेट करना, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर टू हाइट मैक्सिमम, नंबर थ्री रेंज मैक्सिमम हाइट, नंबर थ्री रेंज, नंबर फोर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, बस ये कैलकुलेट, फटाफट कैलकुलेट करके बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे बच्चों को बताया जी टेन लेना है, yes, sir. आराम से। सबको फॉर्मूला आंसर मैसेज करेंगे सब, टाइम क्या रहा, हाइट क्या रहा, रेंज क्या रहा, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड चेतन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, टाइम जो होता है वो टू यू साइन थीटा अपॉन जी, सारे बच्चों ने कर लिया होगा अभी, तो टू यू कितना बेटा 30, साइन 30 वन बाई टू होता है, याद रखना जी 10 होता है, तो मेरे हिसाब से सॉल्व कर रहे हो तो 3 सेकंड आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फुल प्रोजेक्ट टाइम वन, हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट, हाइट बताओ सारे बच्चे, वेरी गुड अर्चित, तो u स्क्वायर बोले दो 30 इंटू 30 और साइन 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, ठीक है, तो देखो 10 से 10 ये उड़ गया, तो ये 90 बाई 2 और साइन 30 1 बाई 2 था तो 4, व्हाट इट हाइट कितना आ रहा बेटा,
45/4 45/4 45/4 मीटर, दिस इज द हाइट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट, ठीक है। नंबर थ्री ध्यान देना, रेंज चाहिए तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू कितना आएगा बेटा, यू स्क्वायर तो 900 हो जाएगा और साइन 2 थीटा मतलब साइन 16 और जी बोले तो 10, 45 रूट 3 बाई 2 होता है, so it will be 90 into √3/2, so range is 45 root. कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान, करते जाना है आराम से, फॉर्मूले पुट करने कुछ भी नहीं है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल आपका, दिस इज एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। अब देखो, अब अपने को ये पूछ लिया, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट बताओ, व्हाट इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, 45 मीटर, पार्टिकल को तुमने ऐसे फेंका, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, यू कॉस थीटा होता है, बता देना, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इधर ही होती है, दैट इज यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा कितना हो जाता है, इसको नोट कर लो एक बार, यू साइन थीटा कितना हो जाता है बेटा, जीरो, जीरो। तो मैं यहां पर एक चीज लिख सकता हूं कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ध्यान रखना, पॉइंट इस यू कॉस थीटा, और यू कॉस थीटा, यू कितना बेटा, यू अपना कितना था 30 और कॉस थर्टी कितना होता है √3/2, तो 15 √3 मीटर पर सेकेंड आएगा, यस है ना, 15 √3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, गड़बड़ी मत करना, वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होती है, यू कॉस थीटा में तो कोई परिवर्तन आता ही नहीं है, इसको लिख लो फटाफट, सर बोलो सर, इसमें u का लिख रखा है कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट x एक्सिस पे चाहिए या y एक्सिस पे, देखो बेटा जो भी एक्सिस पे वो लिखनी है आपको, ऐसा तो बोला नहीं x पे लिखो या y पे लिखो, तो बची किस पर है, x पे बची है, तो लिखनी किस पर है, x पर। अरे बात समझ में आ गई, जो बची है वो लिखो, अब देखो समझ में आ गया कुछ, अब बोलो बेटा, अब बोलिए सर, हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा जीरो क्यों नहीं है, थीटा तो बेटा, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो आपने यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को जिस एंगल पर फेंक दिया ना वही होता है बेटा थीटा, थीटा थोड़ी बदलता, बात आई समझ में, यस सर, चलो आगे बढ़ो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज इज इक्वल टू 40 मीटर एंड हाइट मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर, इसी प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज 40 है, हाइट 10 मीटर है, फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो, और नंबर टू यू इनिशियल, वेलोसिटी एट हाईएस्ट, बहुत अच्छा सवाल है बेटा,
वेरी गुड चेतन, देखो बेटा फॉर्मूला क्या लगाना है, ध्यान से देखो। रतन चोर है, जब भी आर और एच का क्वेश्चन आएगा रतन चोर है, तो रार रतन 40 है, थीटा 45 और ये 4 × 10 तो ये भी 40 हो गया, तो 10θ1 आया, मतलब थीटा 45 डिग्री आया, समझ रहे हो? अब देखना ध्यान से, थीटा 45 आया, इसका मतलब अब ये जो रेंज है वो कौन सी रेंज है, बोलो। मैक्सिमम, मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्स क्या होता है बेटा, U square upon G. वेरी गुड, तो आर का बेटा 40 इक्वल टू U square upon G 10, तो U square क्या आएगा 20, तो U 20 आएगा बेटा, मतलब कितनी स्पीड से फेंका, 20 से फेंका, देख रहा फॉर्मूले कैसे यूज हो रहे हैं। अब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होती है, अभी बता रहा मैं, U cos theta, तो U 20 हो गया और थीटा कितना है 45, तो cos 45 1/√2, तो इट विल बी 20/√2, तो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 10√2 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, 1.41 को 14.1 मीटर पर सेकंड, दिस इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट। बात समझ में आई सबको, नोट कर लो इसको। यस सर। चलो सेकंड मीटिंग में सबको ज्वाइन करना, एवरीवन हैज टू ज्वाइन। सर आप बोलो सर, यहाँ पे तो अपन ने ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे भेजा था इसलिए अपन निकाल पाए, सर अगर 45 डिग्री पे नहीं भेजते तो भी वेलोसिटी निकाल सकते थे, तो भी निकाल सकते थे, मैं बताऊं समझो कैसे निकाल, 10 थीटा की वैल्यू हो जाती, जैसे मान लो 4/5 समझो, तो वो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहां से हाइपोटेन्यूज निकाल लेते, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस